हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप अपने घर में सेफ होंगे और दिवाली के कामों में सभी कोई व्यस्त होंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि आपको बता भी नहीं सकते हैं। और यहाँ पे ना लिपाई हम कर दे रहे हैं, और ये ना बाहर का व्यू है फ्रेंड, जहाँ हम लोग का बाहर मतलब रोड, तो वहीं पर हम लोग यहाँ पर ना हमारे गाय बैल जो रहते हैं ना, तो यहीं पर बांधा जाता है। तो आज मैं ना यहाँ पर साल में एक ही बार यहाँ पे लिपाई होती है। और ना आज हमारे यहाँ ना लक्ष्मी पूजा है, जो कि होते हैं दीपावली के एक दिन बाद हमारे घर में लक्ष्मी पूजा। हमारे घर में नहीं, हमारे गांव में सभी के यहाँ लक्ष्मी पूजा होते हैं, तो उसी का तैयारी हो रहा है। तो यहाँ पे ना अभी हम चार फूल आए थे, तो उसी को अभी छान दिए हैं एक सूप में और उसको भी धूप में रख दिए हैं। उस तरह से ना पानी तुरंत निकल जाता है, तो कुटाने में ना बहुत ही आसानी से होता है। और अभी ना बहुत ज़्यादा चावल पिसा रहा है ना, तो अभी मम्मी जाएगी ढेकी के पास कूट के लाएगी, तो वहीं से देखिए अभी कूट के लाई है ना। तो उसी का हम चूल्हा वहाँ पे बना दे रहे थे आंगन में, जो कि चूल्हा बनाया हुआ हो गया है। और यहाँ पे ना ये गाय जो होते हैं ना, तो उनका आने का भी टाइम हो गया है। तो आने से पहले ना यहाँ पे आज का दिन में ना हमारे यहाँ चौक से बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए अभी हम ना जो चूनी होते हैं ना, तो उसी से अभी हम चौक बना रहे हैं, जो कि मैं ना यहाँ पे ना ससुराल में ना फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो देखिए बहुत अच्छे से मैं नहीं बना पाई, क्योंकि ये जो आप डंठल जिस टाइप से बना हुआ है ना घुमा घुमा, तो ये ना दोनों साइड से बनता, लेकिन मैं एक ही दे दी हूँ बीच में और इस तरह से बना दे रही हूँ। तो पापा ना बाहर में खड़े हैं बैल लेके, तो वो बोल रहे हैं तुरंत तुरंत बना दो, तो हम ध्यान नहीं दिए कि हमको इस तरह से बनाना है। इसी तरह से ना जैसे तैसे करके जल्दी से बना दे रहे हैं। और यहाँ पे आ रही ना बैठ के, देखिए मेरे पास देख रही है। और फ्रेंड आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि मेरा आज का चौक ये बनाया हुआ वो फर्स्ट टाइम मैं कैसे बनाई हूँ, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। और यहाँ पे देखिए मेरा चौक पूरा हुआ हो गया है ना, तो मैं तुरंत तुरंत सिंदूर का टीका भी यहाँ पे दे रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं वीडियो में ही देख रही हूँ, यहाँ पे ना और एक छूट किया है ऐसे करके घुमा हुआ। तो देखिए बाहर में पापा वहाँ पे खड़े हैं गाय लेके, तो जल्दी से यहाँ पे हम कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि पापा भी बोल रहे हैं कि अभी से हम पहले ही बोल दिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ना घर की देखिए हमारी लक्ष्मी, जो कि मम्मी ना इसको सबसे पहले के घुसा रही है, क्योंकि ये ना इधर उधर चल जाती है, इसलिए पकड़ के इसको घुसा रही है मम्मी। और ना यहाँ पे ना हम थोड़ा सा अलग यहाँ पे देखें, और अपने मायके में थोड़ा सा अलग देखे थे, कुछ नियम होते हैं ना, जो कि यहाँ पे ना बाहर में ही धोया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम जब पापा को या मम्मी को बोले ना, तो बोलते नहीं हम लोग अंदर में धोते हैं। और वहाँ पे ना मायके में देखते थे मम्मी बाहर में ही धोती थी या तो फिर दादी, और अंदर घुसा के फिर वहाँ पे उसको ये टीका वगैरह किया जाता था, तेल लगाया जाता था। तो ये लोग यहाँ का ना कुछ अलग नियम होते हैं, अलग हर जगह अलग अलग नियम होता है अपना अपना। तो यहाँ पे ना मम्मी अंदर में घुसा के पैर धोई, और फिर ना हम यहाँ पे आ गए हैं पुआ रोटी बनाने के लिए। तो अभी पुआ रोटी हम कुछ बना लिए हैं चढ़ाने के लिए। अभी घर में ना पुआ ही रोटी चढ़ते हैं सारे जगह, जहाँ पे हम लोग का घर का देवी देवता है। तो अभी यहाँ पे ना हम सासू माँ को बैठा दिए हैं पुआ रोटी छानने के लिए, और ना हम आग लेके ना यहाँ पे गौशाला आ जाते हैं। यहाँ पे ये पूजा कर रहे हैं ना आरोही के पापा, तो आग लेके धूप वगैरह देंगे ना इसलिए, और इसलिए ना गाय को घुसा के और यहाँ पे पूजा किया जाता है। तो हमारे यहाँ ना इसी तरह से रीति रिवाज है कि गाय को घुसा के उसके बाद फिर गौशाला में पूजा की जाती है। तो अपना अपना गांव देहात का इसी तरह से नियम होते हैं, जो कि हम लोग भी हर साल इसी तरह से करते हैं। इसलिए ना यहाँ पे ना लिपाई भी हम कर दिए थे, और ये जो चौक होते हैं ना, तो उसको पूरा जाता है। और यहाँ पे देखिए बैल लोग अंदर पे हैं, और अरे घर के पंडित जी आ रहे हैं।
और यहाँ पर भी देखिए चौक बनाया गया है जो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक। और ना ये जो हमारे गांव देहात में होते हैं ना गौशाला में लक्ष्मी पूजा, तो ये दिवाली के एक दिन बाद होती है, लेकिन इस वर्ष ना एक दिन बाद नहीं हुई इस वर्ष, क्योंकि एक दिन बाद ना ग्रहण लगा हुआ था, तो सभी कोई गांव में ना कोई भी पूजा नहीं किया था उस दिन। बस ये दूसरा वाला दिन है, दिवाली का दूसरा दिन। तो देखिए यहाँ पे भी आंगन में पूजा कर रहे हैं, और जो हम लोग का देवी देवता अंदर में रूम में रहते हैं ना, तो वहाँ पर भी पूजा कर लेते हैं। और इसी तरह से ना पूरे घर में सभी जगह जहाँ जहाँ पे घर का देवी देवता है वहाँ पे पूजा की जाती है। इसी तरह से हमारे गाँव देहात का रीति रिवाज है। और फिर ना आरोही का पापा का सारी जगहों में पूजा हो गया था, और यहाँ पे देखिए सासू माँ लेके आ रही है यहाँ पे गाय पूजा करने के लिए लक्ष्मी पूजा। तो ये देखिए हमारे गांव देहात में ना लक्ष्मी पूजा इसी तरह से की जाती है। और ना यहाँ पे मम्मी ना दूर से ही धो रही है, क्योंकि ये सब ना दोनों बैल है ना मारते हैं, इसलिए मम्मी को डर लगता है कहीं मार ना दे। और ये सब ना अभी दिन में ही आज घुस गया है, इसलिए ये लोग भी थोड़ा अजीब लगता होगा, इसलिए इन लोग से दूर से ही मम्मी ये सब जितने भी कुछ पैर वगैरह धो रही है ना सब चीज़ दूर से ही कर रही है, देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड आज हमारे घर में लक्ष्मी पूजा हो गए हैं। तो हमारे यहाँ ना गांव देहात में लक्ष्मी पूजा गाय या बैल को ही माना जाता है, जो कि हम लोग सभी को घर में पूजा कर लिए। मतलब मेरा फास्टिंग पूजा हमने किए थे, लेकिन सारा चीज़ हम ही कर दे रहे थे ना, तो इसलिए हम भी 5 बजे लगभग खाए हैं, हम खाए, हस्बैंड जी खाए और मम्मी भी खाई, तो हम लोग सब अभी खाए थोड़ा देर पहले। और ना आज खाना वगैरह अभी कुछ नहीं बनाने वाले, क्योंकि सभी का पेट भरा भरा हुआ है, पुआ रोटी बनाए थे ना तो वही खाए हुए थे, और थोड़ा सा बचा हुआ था ना चुनी, तो उसी का ना अभी यहाँ देखिए छिलका रोटी बना दे रहे हैं, और उसमें ना गुड़ बचा हुआ था तो उसी को दोनों को मिक्स करके अभी हम छिलका रोटी बना दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे बना रहे हैं, ये देखिए फिर ये गुड़ का छिलका रोटी हमारा बन गया है, जो कि अभी आ रही खाने वाली है, और टेस्ट करके वो बताइए कैसा लगा। गुड़ डाल दिया क्योंकि गुड़ वाला पानी ना मेरा ज़्यादा हो गया था उसमें, तो इसलिए इसमें मिक्स कर दे रहे, क्योंकि बर्बाद तो नहीं करने सोच रहे थे, बर्बाद हो जाएगा इसलिए मैं बना दे रही हूँ। तो फ्रेंड हमारे गाँव देहात में इसी तरह से होती है लक्ष्मी पूजा। तो आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर मेरा ब्लॉग और सभी अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ उन लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। और आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट्स करते हैं तो मेरे हौसले ज़्यादा और भी बढ़ जाते हैं, और कमेंट्स नहीं करते तो बिल्कुल भी वीडियो भी बनाने का मन नहीं करता है। तो प्लीज़ फ्रेंड सपोर्ट कीजिए, आप लोग का सपोर्ट की बहुत ही जरूरत है। तो फ्रेंड मिलती है अच्छे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। माय यूट्यूब फैमिली खुश रहिए, अपनी दुनिया मस्त रहिए।